ପିଲାମାନେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମୁଁ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଫିଲ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡାଇପଲ୍ ଏଟା ଏନି ପଏଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଇକ୍ୱାଟୋରିଆଲ୍ ଲାଇନ୍ ଅନ୍ ଦ ଇକ୍ୱାଟୋରିଆଲ୍ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜିଆଲ୍ ଯାଇଥିଲା ଇକ୍ୱାଟୋରିଆଲ୍ ଯାଇଥିଲା ଓକେ ତ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଦେଖ କେପିରେ 45 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫଲୋ ଅପ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରେ ଦ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏଟ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏଟ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ on the axial line at a distance of 0.1 meter from the center of dipole is 3.75 into 10 to the power 5 Newton per coulomb in air while at a distance of 0.2 meter, the electric field is 3 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the length of dipole. This is the question. The electric field at a point on the axial line at a distance, mention kardala axial line, so no problem. At a distance of 0.1 meter from the center of the dipole is this one in air, while at a distance of 80 meter, the field is this one. Samane ya, suppose your dipole achi. Let this be minus Q. Plus Q, half length is the A, total length is the 2A. Now, this is the axial line. Aji axial line ra ketra point neichi na dita point. Gote point neichi etiki distance re. Aude point neichi etiki distance. Suppose, at out a point, P1, तो ए डिस्टेंस तो है आर वन डा आर टू गुड वेरी गुड आर वन दे दीजिए आर टू दे दीजिए मागीजी लेंथ ऑफ डाइपोल लेंथ ऑफ डाइपोल माने समहाउ तुमको ए खुलते पड़ी ए खुलने ही टू ए बाहर तो एक्जेल फील्ड रो फॉर्मूला तुम आगे दीटा थिला माने पका गोटे थिला E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught to PR by R square minus S square rho whole square. Avadthila, E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught to P by R cube. To P by? ସମ୍ଭବ ଆଜି ଆମେ କୋଉଟାକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ଆମର ଏ ଦରକାର ଏ ଖୋଲିଲେ ହିଁ ଟୁ ଏ ବାହାରିବ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ଏ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଏ ଅଛି ଏ ବାହାରିବ କାରଣ ଡାଇପୋଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ବି ତ ଦେଇନି ନା
डाइपोल मोमेंट देते में कर दे सकते। तो इन दिस केस कितना फील्ड देची ना दीटा गोटे देची एते की और देची एते की। नाउ ई वन इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर वन आर वन बाय आर वन स्क्वायर माइनस एटा को ए वन करदेबनी बिकज डायपोल टा फिक्स अच्छे केवल डिस्टेंस टा चेंज हो डायपोल फिक्स मैंने डायपोल लेंथ मैंने डायपोल लेंथ रहा भी फिक्स हम र होल स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन दे दीज थ्री इंटू सॉरी थ्री पॉइंट सेवन फाइव 10 to the power 5. Second case re E2 de dich 1 by 4 pi epsilon naught kata hava bale 2 p r2 good by r2 square minus s square at the value de dich C into 10 to 4 newton per coulomb. बर्तन पिला मने R1 देची, R2 देची, क्वेश्चन रे R1 भी देची, R2 भी देची, जस्ट डिवाइड कर दिया, हला, वेरिएबल के रह गेले, उडला P आउडे A, डिवाइड कला पर जहाँ पाइबो, आइदर P टा A ऊपर पाइबो, ताको ने कि जे कोनसी इक्वेशन रे पके दे, A बाहर जो मन कर मैं इधर को डिवाइड कर दली एटा एटा कटिला ए टू टू कटिला आर वन वैल्यू दे आर टू वैल्यू दे ये तो डिवाइड हे केवल वेरिएबल रहा पी आउ ए को डिवाइड कले पी टा ए रूप से आसो जहाँ बाहर नहीं इक्वेशन पकई दे ए बाहर ए बाला पर टू ए बाहर बुझेगा दिखे कनसेप्ट जो ये क्वेश्चन थाए दीटा डिस्टेंस दे थाए दीटा फील्ड दे थाए देकि डायपोल लेंथ मागे तो समाव हमें ए रिलेशन को चूज करिवा हला तो ये हमें डिवाइड हेगला पर पी टा इंटरनल ए एस जीव जहां पाइबो जको जको सी क्वेश्चन पुट कर ए एस क्लियर एबला क्वेश्चन भी आसे। नेक्स्ट निभौची बर्तन पढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डाइपोल एट एनी पॉइंट एक्सियल पढ़ी सारे इक्वेटर पढ़ी सारे बर्तन पढ़िया एनी पॉइंट फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट एडला डाइपोल ए बी माइनस क्यू प्लस क्यू लेट दिस बी द मिड पॉइंट ओ हाफ लेंथ रखू मन कर मुझे नी ए डायपोल मोमेंट डायरेक्शन कौन है नेगेटिव रू पॉजिटिव लेट एडला क्या लाइन रहा मन कर सी गोटे पोजिशन यही पोजिशन फील्ड खुल डायपोल लाइटा एटा एनी पोजिशन बर्तन सी पॉइंटा एक्जियल लाइन रे अच्छी कि नो सी पॉइंटा इक्वाटोरियल अच्छी कि नो तो दिस इज एनी पोजिशन मन कर ये एंगल टाक थीटा ने
डायपल मोमेंट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी जो हमें रिजोल्यूशन करवा थीटा जोड़ा को नागी की थीबो एटा है जो पी कॉस थीटा तो एटा है जो पी साइन थीटा मन कर गोटे पॉइंट ने ना डी ओके लेट टी बी द एनी पोजिशन वेयर द फील्ड इज टू फाइंड आउट जो पॉइंट रे हमको फील्ड खुलवार अच्छे लेट ओ सी ओ टू सी मैक्स एन एंगल थीटा विथ पी वेक्टर ओ सीटा पी वेक्टर सर कितना एंगल कर ची थीटा बर्तन में पी को रिजोल्यूशन कर दो भांगी दवा ऑन रिजॉल्विंग पी माने डाइपोल मोमेंट इंटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वी गेट पी को भांगे पर पाइले तो पहले पी कॉस थीटा एलॉन्ग ओसी और पहले पी साइन थीटा एलॉन्ग ओडी एलॉन्ग ओडी जदि पी टा डाइपोल मोमेंट हुए तने पी कॉस थीटा भी डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा भी डाइपोल हाँ वैल्यू चेंज हबो बट से डाइपोल मोमेंट एफ गुटे फोर्स तने एफ कॉस थीटा से भी फोर्स एफ साइन थीटा ये भी फोर्स माने एटा कंपोनेंट फोर्स रो गुटे अंश को कोन कह जइबो फोर्स ही ना कह जइबो वैल्यू अलग आई पारे बट से एका क्वांटिटी वर्तमान ए जो पॉइंट टा जदि हमे पी कॉस थीटा गुटे डाइपोल मोमेंट बोली धरिबा तो विथ रेस्पेक्ट टू पी कॉस थीटा ए पॉइंट लागिवो जंदी एक्सियल लाइन रे अछि माने पका एक्सियल लाइन रे कांसेप्ट कोन थिला एआ थिला एट थिला माइनस क्यू एट थिला प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन टा थिला माइनस रो प्लस एटा जदी एक्सियल लाइन होतला तो डाइपोल मोमेंट रो डायरेक्शन जो पटे थिला पॉइंट टा सही डायरेक्शन उपरे पड़ी के रहतला ठीक सेम थी आज पी टा को डाइपोल मोमेंट कहतले आज पी कॉस थीटा को डाइपोल मोमेंट कहचे तो विथ रेस्पेक्ट टू पी कॉस थीटा सी पॉइंट लागुची किंतु एक्सियल लाइन रे अछि माने पका एक्सियल लाइन रे नेट फील्ड कोडे आस्तुला ना इपडे आस्तुला एपडे रहतला ई1 एपडे रहतला ई2 नेट फील्ड रहतला ई1 माइनस ई2 रिजल्टेड फील्ड कोडे होतला ना डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन जो पड़तला से पड़े होतला तो जेहेतु आदि डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन एपडे अछि तो या जो को फील्ड भी एई पटे हबो एडला एक्सियल फील्ड फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन अगेन सही सी पॉइंट टा सही पॉइंट टा विथ रेस्पेक्ट टू पी साइन थीटा लागू छि जेंति इक्वेटोरियल लाइन रे अछि काहे कि न जदि हम एको जॉइन कर दबा माने पका पूरा इक्वेटोरियल लाइन ए आइतला पूरा मंदिर के आइतला एई पटे जिवो डायपोल मोमेंट जे पटे ते तार अपोजिट तो एटा हला इक्वेटोरियल फील्ड
ई वांट अला एक्सियल फील्ड इट वाला इक्वेटोरियल फील्ड रिजल्टेंट फील्ड है गलाइटा लेट दिस एंगल बी अल्फा ओके सो दिस इज द केस एज पॉइंट सी इज एज्यूम टू बी ऑन द एक्सियल लाइन विथ रेस्पेक्ट टू पी कॉस थीटा बराबर बुझेली जब पी कॉस्थीटा डायपोल मोमेंट है बर्तमान डायपोल मोमेंट डायरेक्शन जहाँ पी पॉइंट तहारी पड़ी गई पॉइंट अकॉर्डिंग टू पी कॉस्थीटा लगुच जमी एक्सियल पॉइंट अच्छे तेनाली एक्सियल फील्ड आसो एक्सियल फील्ड डायरेक्शन कुआडे होता डायपोल मोमेंट डायरेक्शन जहाँ था एक्सियल फील्ड डायरेक्शन से जेहेतु आज पी कॉस्थीटा डायरेक्शन या तो फील्ड डायरेक्शन भी सही पटे हम हियर वी कैन से मन कर एक्सियल फील्ड एक्सियल फील्ड फॉर्मूला कौन था वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी बाय आर क्यू तो हियर वी कैन हैव हियर वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी बाय मन कर ओ रु सी डिस्टेंस टाला आर ए डिस्टेंस टाला आर टू पी बाय आर क्यू हवा कथा बट आज पी जगह अच्छी पी कस थीटा तो जस्ट पी जगह पड़गला पी कस थीटा डायरेक्शन कुआडे हम सी प्रोड्यूस कहीं डायपोल मोमेंट डायरेक्शन जहां फील्ड डायरेक्शन से आप सी प्रोड्यूस अगेन सही पॉइंट टा विथ रेस्पेक्ट टू पी साइन थीटा लागू जमी इक्वाटोरियल लाइन रे अच्छे अगेन द पॉइंट सी इज एज्यूम्ड टू बी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन विथ रेस्पेक्ट टू पी साइन थीटा इक्वेटोरियल फील्ड इटू कैसे हम इक्वेटोरियल फील्ड फॉर्मूला कौन था वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन पी बाय आर क्यू एटा हम मन कर पॉइंट गोटे ना दे दियो एफ ए पॉइंट ना दे एफ इटू इज इक्वल टू हो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट हवा कथा पी बाय आर क्यू बट आज पी जगह पड़ो पी साइन थीटा मन पकाओ इक्वाटोरियल लाइन रे डायपोल मोमेंट जो पटे होता फील्ड ता अपोजिट रे होता अलोंग सीएफ तो कितना फील्ड पाइले दीटा फील्ड गोटे एक्सियल फील्ड गोटे इक्वाटोरियल फील्ड एक्सियल फील्ड आउ इक्वाटोरियल फील्ड एंगल केते 90 डिग्री केते डिग्री 90 डिग्री तो हियर दीटा फील्ड भितर एंगल जो 90 है रेजल्टेंट रो फॉर्मूला कौन हम जो दीटा वेक्टर भितर एंगल 90 हुए रेजल्टेंट कौन हो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रो रूट ऑफ दैट मींस हियर वी कैन से E is equal to net field at C
इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू, आर भेक्टर इज इक्वल टू ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर, और आर इज इक्वल कितना हिजिबो ई रो मैग्नीट्यूड आस जिबो रूट ओवर ऑफ ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर, जेहेतु ताको तरह एंगल 90 डिग्री। बर्तन ई वन रो वैल्यू तुम पाखरे अछि, ई टू रो वैल्यू भी तुम पाखरे अछि, पुट करो वैल्यू। और हियर वी कैन से योर ई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ई वन रो स्क्वायर माने ईआर स्क्वायर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी कॉस थीटा बाय आर क्यू रो स्क्वायर प्लस ई टू रो स्क्वायर, ई टू है इटा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin theta by r q ra square, okay? So or e is equal to but then common nava kata common nava p by 4 pi epsilon r q p by 4 pi epsilon r cube rho square p by 4 pi epsilon not r cube rho square common gane rahi jibo kete na 2 cos theta rho square that is 4 cos square theta plus sin theta rho square sin square theta rho root of और e इज इक्वल टू एयर स्क्वायर रूट बाहर को पड़े आसला p बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू रही गला रूट ओवर ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और याकु लिखियो अगेन योर e इज इक्वल टू योर p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और cos स्क्वायर थीटा को भांगी लिखी हम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हिजबो तोटा आस जिवो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। आउतरे बुझो देखो और cos स्क्वायर थीटा लिखिया जहा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस अछि sin स्क्वायर थीटा, एटी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हे गला आ रहि गला 3 cos स्क्वायर थीटा हला। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल फॉर थीटा के और थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड पॉइंट, ए पॉइंट टा और डाइपोल मोमेंट विद एंगल थीटा, डाइपोल मोमेंट ऑफ पॉइंट, ओके। एटा में स्पेशल केस पकेवा जदी सरा एक्सियल लाइन नै थंदा, देखो ये भौची उपरो और एक्सियल लाइन थीटा है गला 0 डिग्री, थीटा 0 हले cos 0 केता हो एक्सियल लाइन पे थीटा 0 नहीं की देखो ना एई माइनस q प्लस q एटा एक्सियल एटा पॉइंट p एटा डाइपोल मोमेंट बस रखो सीन है जानो चनियो आज डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन जहां छि पॉइंट ताहरी पर पड़ी के तने एंगल केता 0, तो एक्सियल लाइन को लेवन थीटा केता हो 0, दस ई एस जीवो पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब रूट ओवर ऑफ
थीटा जीरो कॉस जीरो ला वन है ना, थ्री इंटू वन थ्री, थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस जीरो ई इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी बाय आर क्यू, फोर रूट ओवर टू टू पी बाय आर क्यू, एटा ऑलरेडी पाई थिले एक्सेल फील्ड रे या फॉर्मूला ही बाहर थिला नहीं कि तमें एनी पॉइंट पके कि ताको स्पेशल केस करके भी खुल दे परिवा। नेक्स्ट फॉर इक्वाटोरियल लाइन, तेरा कितने डिग्री 90 कहीं ना इक्वेटर ले कैसे उतरा तो डाइपोल होता एटा इक्वेटोरियल पॉइंट पॉइंट डाइपोल मोमेंट अपट पॉइंट एट एंगल 90 डिग्री तो इक्वेटोरियल लाइन पॉइंट थीटा ला 90 दस ई कत है वो थीटा 90 है ना कॉस 90 जीरो जीरो प्लस वन 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 उटर वन दस जीरो इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टी बाय आर क्यू एटा भी पाई थिले इक्वाटोरियल यहाँ ही पाई थिले एक्सियल से ही पाई थिले तो हमें एनी पॉइंट करी कि स्पेशल केस में भी सही एक रिजल्ट पाइले ना से रिजल्टेंट रो डायरेक्शन देख तो कोई परिवार डिरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इज गिवन बाय बेसिकली डिरेक्शन इज गिवन बाय द टेंजेंट ऑफ द एंगल ये कितना एंगल कर चुना अल्फा गिवन बाय टेन अल्फा इज इक्वल टू बुझ जो देख मैं ड्रॉ कर देबे एटा एटा 90 डिग्री हो गेला इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी टेन मन भाव थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी এইটা পি এইটা বি এইটা যদি ই টু এটা ই টু হবেন না বাস তো টেন আলফা ইজ ইকুয়াল টু ই টু বাই ই ওয়ান ই টু বাই অর এর টেন আলফা ইজ ইকুয়াল টু ই টু টা কত পাইছিল মনে পকাও এই এই কেসর বাহার ছিল না ওয়ান বাই ফোর পাই এপসাইলন নট পি সাইন থিটা বাই আর কিউ দেখো লাস্ট পূর্ব পড়াই তো খাতার আছে ই প্রবেল এত কি পাইছিলাম ইনটু ই ওয়ান যাহা থিও তাকে উল্টে দিও ভাই আছে না উল্টে দিলে এত করিবি ফর পাই এপসাইলন নট আর কিউ বাই টু পি কস থিটা দেখো ই টুটা আমি কত পাইছিলে না ওয়ান বাই ফোর পাই এপসাইলন টু পি কস থিটা বাই আর কিউ তাকে উল্টে দিচ্ছে বর্তমান फर पाए जन कटिला आर क्यू कटिला पी पी बी कटिला तो टेन अल्फा इज गुड कितना है वन बाय टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा टेन अल्फा इज इक्वल टू हाफ टेन थीटा टेन अल्फा इज इक्वल टू हाफ टेन थीटा फिर अल्फा है एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट थीटा इज द एंगल मेड बाय द ऑब्जर्वेशन पॉइंट विद द डाइपोल मोमेंट ओके या प्रश्न न्यूमेरिकल आसे तो समाओ आज थिला फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट नेक्स्ट क्लास रे पढ़ीबा हमें सर्कुलर रिंग पई का पई द सर्कुलर रिंग रे जदि चार्टर डिस्ट्रीब्यूट हे के रुहे ताज को एट एनी पॉइंट मन करो चूड़ीटा चूड़ीटा चूड़ी रे चार्टर डिस्ट्रीब्यूट हे के छ तो चूटा गोटे सर्कुलर रिंग तार गोटे एक्सीस रे सेंटर दिख पास कर दबो से एक्सीस रे जेकोड से पॉइंट रे फील्ड करते सर हम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ेबे तो आज ही किसी न्यूमेरिकल डील कर ओके तो पहले माने किसी न्यूमेरिकल डील कर ओके तो ये कैपी रो हॉलो ऑफ द प्रॉब्लम 46 नंबर क्वेश्चन टू चार्जेस two charges
each of 0.1 microcoulomb, each of 0.1 microcoulomb, but opposite in sign are 1 millimeter apart. 1 millimeter apart. Question is that what is the electric field? What is the electric field at a point on the line joining them at a distance of 0.1 meter from the midpoint? Hello. Two charges each of 0.1 microcoulomb. What a plus, what a minus? Minus 0.1 microcoulomb, plus 0.1 microcoulomb. 1 millimeter apart. That is 10 to the minus 3 meter. What is the electric field at a point on the line joining them? 8 question maadala. The point on the line joining them. Mane axial line. Sai line ta dira charge ko join kortho. Tane ki line? Axial line. At a distance of 0.1 meter. Mane kroda P point. At a midpoint. A distance ala 0.1 meter. La. Mane ei point. Question maadala je electric field khula axial point re. Bartan tamu dekhiyar achi. जे आर केते ना 0.1 मीटर ए केते अगर 2 ए देखो 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर बट क्वेश्चन ये आला जे 0.1 मीटर तमन के सेंटीमीटर 10 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर माने कि सर 1 मिलीमीटर नहीं कि 1 मिलीमीटर गोटे सेंटीमीटर माने केते मिलीमीटर 10 त 10 सेंटीमीटर माने तो है वेरी गुड सुना अच्छा तो है मिलीमीटर ये कहते हैं 1 मिलीमीटर तो 100 अगेंस्ट 1 टा नेगलेक्ट हो जइबो नी यस अब नेगलेक्ट हो गेला माने फाइनल फार्मूला तो हमें डायरेक्टली इजी पक दे परिबा e इज इक्वल टू 1/4πε0 यर 2π/r³ लग 2π/r³ 80 यार वैल्यू कितना है 9 × 10⁻¹⁹ आर कितना पड़ेगा 0.1 मीटर अब पी है ला 2a³ 2a डा पके दे 10⁻³ क्यू डा पके दे काम खत्म खैर बुझवा रहो छी जे एटी ए डा नेगलेक्ट हो चुकी नहीं सेडा को जो धरना पड़े तो ना क्वेश्चन नहीं पड़ेगा नहीं आर अगेंस्ट जो दे ए नेगलेक्ट ताने डायरेक्ट ए फॉर्मूला जो नेगलेक्ट ना हो तो द प्रीवियस फॉर्मूला ओके और क्वेश्चन देखो
আমি যখন ফার্স্ট রু করতলে কোশ্চেন সমহাও দেখ আউট কোশ্চেন আজ করছি এই টাইপের কোশ্চেন अठारह नंबर क्वेश्चन केपी रे फॉलो अप द प्रॉब्लम रे अठारह नंबर क्वेश्चन देखो क्वेश्चन अच्छी टू सिमिलर कॉर्क्स ईच ऑफ मास फाइव इंटू टेन माइनस फोर के जी एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस अपन देम एंड कैरिंग इक्वल चार्जेस अपन देम are suspended by non-conducting threads each 0.2 meter long from a rigid support so that the threads enclose an angle 30 degree. Now support the threads separate so that they enclose an angle 30 degree. Calculate the charge on each cork. Calculate charge on each cork. This is the question. Question which is what a rigid chatodaj. Sikoila gotte point ru dita suta olele. Pura empty dita suta. Attitude ball, attitude ball. Empty oliva katha. Pura gotte jaga roya katha. But figure as empty nahi. Figure kem de jaichi. As a gotte jaga olele, figure empty jaichi. ଏଠି କାହିଁକି ହେଲା ନା ଏଇ ଦୁଇଟା ବଲ୍ବରେ ଯେ ସିମିଲାର ଚାର୍ଜ ଥିଲା ଯିଏ ଯାହାକୁ ପେଲି ଦେଲେ ରିପେଲ କରିଦେଲେ ତ ଏମିତି ହେଇଗଲା ତ ଏଠି ଏଙ୍ଗେଲ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ନା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଏଇ ଲେଙ୍ଗଥର ଦେଇଦେଇଛି 0.2 meter ଇଏ ବି 0.2 meter ହେଲା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଲମ୍ସ ଫୋର୍ସ ଆର୍ कन्सिक्वेन्स अफ न्यूटन थर्ड लॉ क्वाइज ए बॉडीटा से बॉडी पर जति फोर्स पकेब ये भी या ऊपर से फोर्स पकेब या ऊपर जति की फोर्स काम करिवो या ऊपर भी जति फोर्स काम करिवो अडला कुलम्स फोर्स एमिति है कि बॉडीटा रेस्ट को पळै छे एही सिचुएशन में बॉडी इक्विलिब्रियम को पळै छे देखो जी आंको पर चार्ज केते केते बाहर करो प्रथम कथा चार्ज एठी जा सेठी से गोटे बाहर करला आउटे धरा पड़ी गला এই কেসরে এই বডির ওয়েট কোয়াড কাম করতব তল আড়ক এই কেসরে বি বডির ওয়েট কোয়াড কাম করতব তল আড়ক
एडला कुलम स्पर्स मन कर ये ना दे ए बी सी परपेंडिकुलर ड्र कर दियो डी एटा केते रे जीवो 15 डिग्री 30 रोधा 15 तो ए भलिया फिगर देखिबो माने आखी बुझी की फार्मूला पकेबो f इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा कहीं की ना आगर में पढ़ाई चे ऑयल ड्रॉप बा पीथ बल तल को खसी पड़िया कथा खसु ना बालांस हो गई जिते बड़े गोटे बॉडी बालांस हो जाए तार मास दे देची मास दे देची टिल देन बॉडी बालांस अच्छे जदि किसी एंगेल न कही मारिया कि एफ इज इक्वल एम जी जदि किसी एंगेल कही एफ इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा हेला ना एफ जगार आयदर आम पक क्यूई नहले पकई पार देख एफ जगार आयदर पकई पार क्यूई नहले पकई पार वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर आज का क्वेश्चन रे इलेक्ट्रिक फील्ड देनी देखिए दीटा चार्ज तेना नो डाउट यही फर्मुला पड़ो तो वन बाय फोर पाए एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर एटे क्यू वन क्यू टू कह क्यू स्क्वायर कह से बिकज सिमिलर चार्ज इज इक्वल टू एम जी टेन फिफ्टीन थर्टी पकई देवानी फिफ्टीन जितेबाला भी त्रिकोणमेट्री काम कै गोटे राइट एंगल ट्राइंगल नबू फिफ्टीन डिग्री तो इन दिस केस या भैल्यू जाचे मास देची 10 15 केमती खोलू ना 10 45 माइनस 30 10 ए माइनस बी सूत्र पकई देव बाहर जीव बाकी रहा आर मैंने यही डिस्टेंस टा तो ये डिस्टेंस केमती पाइबा ना ये 15 डिग्री हुए एटा 90 डिग्री एटा हाइपोटेनियस कर्ण एटा जीव लंब साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच तो पी इज इक्वल टू एच साइन थीटा साइन 15 अगेन साइन 45 माइनस 30 सबटे बाहर जीव साइन ए माइनस बी तो एटा पाइगलु एटा जहां पाइबु तो दुई गुण देव आर मिल जीव बुझेला आउ थे भी कौच थीटा पकेबो केते डिग्री 15 बिकॉज़ इट राइट एंगल ट्रायंगल लबो हला या आधा 15 बाकी आर केटा ना ए डिस्टेंस एटा केन पाइबो हियर इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल हेगला एटा 90 डिग्री इट इज द थीटा ला एटा भूमि एटा लंब एटा बेस एटा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मागिच पी इज इक्वल टू एच साइन थीटा साइन 15 पर दो साइन 45 माइनस 30 तने ए माइनस बी सूत्र रे बार जीव बस एडिशन एटा जा बारियो दुई गुण तो बेटा बार जीव बस क्यू बार जीव बाकी एटा कार्ड आइला एटा मो नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिमे आउतर कह दोछ तर कांसेप्ट छ लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू इफोर्ट इनटू इफोर्ट आर्म सही कांसेप्ट रे छुटे छ 6 7 से पटा थिला ता कोई नै कि हमें यूज करू छ हला सेटा नेक्स्ट क्लास रे डील करिवा बट तमा तमे एटा करिके रखिथिबो ओके बाय तम पई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी गला डायपोल रो एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन एंड एनी पॉइंट नेक्स्ट क्लास रे एही कांसेप्ट डील करिवा एंड दैट टू नल पॉइंट कहितली बोधे नल पॉइंट रे कांसेप्ट जदी न कहि चाहत रिपीट कर देबी एंड दैट टू गुटे सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पय फील्ड खोलिवा हला ओके बाय।